खुशी और नाना पाटेकर की कंट्रोवर्सी आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। जहां देखो जिसे देखो इन दोनों की ही बातें करने में लगा हुआ है। कई साल जैसे फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना ने तनुश्री का साथ दिया, वहीं राखी सावंत ने तनुश्री को गलत बताते हुए कई खुलासे किए। ये तनुश्री दत्ता एड़ी है, पागल है, एक नंबर की झूठी है। लोग मुझ पे दाग लगाते हैं ना, कंट्रोवर्सी। ये क्या कर रही है बोलो? जो आके अमेरिका रिटर्न पागल एड़ी कहीं की, ये इसका मन आया डोप लेके सो गई, ड्रग्स लेके सो गई, इसका मन आया दो चार शर्ट पे गाली दे दिया, इसका मन आया टकली होकर संन्यास लेने चली गई, इसका मन आया न्यूज में मीडिया वालों में आके इंग्लिश में बात कर करके हमारे सीनियर नेता लेजेंड नाना पाटेकर जी को गाली दे दी। लेकिन अब बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस ने तनुश्री की कॉन्ट्रोवर्सी पर ओपन लेटर लिख डाला है, जो हर बार बड़े बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रेणुका सहाने की। हाल ही में रेणुका ने अपने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। रेणुका ने सबसे पहले तो ये कहा कि उन्होंने कभी भी नाना और तनुश्री के साथ काम नहीं किया है और वो हॉर्न ओके प्लीज फिल्म की हिस्सा भी नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ बोलना चाहती हैं। रेणुका ने पॉइंटर्स बनाकर सबसे पहले कहा कि तनुश्री ने साफ कर दिया था कि वो गाने के एक स्टेप में खुद को असहज पा रही है। हो सकता है कि नाना पाटेकर की सोच गलत भी ना हो, ऐसे में डायरेक्टर और कोरियोग्राफर्स का ये फर्ज नहीं था कि वो एक्ट्रेस को सहज महसूस कराएं। क्या एक डांस स्टेप में बदलाव करने से फिल्म बुरी तरह पिट जाती? अगर वहाँ मौजूद किसी पुरुष की बेटी होती तो उसके साथ तब भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता? यही फर्क है बेटी जैसी और असली बेटी होने में। इसके बाद दूसरे पॉइंट में रेणुका ने कहा कि क्या एक लड़की के खिलाफ चार इतने ओहदे वाले आदमी काफी नहीं थे कि राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों ने तनुश्री की कार पर हमला किया, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को डराना भी पड़ा। क्या ये एक घटना पर ओवर रिएक्ट करना नहीं था? राजनीतिक पार्टी के लोग चाहते हैं कि तनुश्री अपने बर्ताव के लिए महाराष्ट्र के गर्व से माफी मांगे। क्या महिला के साथ ऐसी हरकत करने महाराष्ट्र को गर्वित किया गया? नतीजा देखें तो किसका करियर खराब हुआ? इस घटना से जुड़ी किसी भी पुरुष को बुरे समय का सामना नहीं करना पड़ा, अहंकार जीत गया, पुरुषों को हर इंडस्ट्री से सपोर्ट मिला। अगर इस पूरे वाक्य का किसी पर असर पड़ा है तो वो है तनुश्री दत्ता। आपको बता दें 2008 में तनुश्री ने फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट में नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इसके बाद वो यूएसए शिफ्ट हो गई थी। वहीं अब ये मुद्दा फिर 10 साल बाद तनुश्री ने जब उठाया तो पूरे बॉलीवुड में हंगामा हो गया। हाल ही में तनुश्री के सभी आरोपों पर नाना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि वो कानून की मदद लेंगे। वेल, अब देखना ये होगा कि आखिर नाना और तनुश्री में से सही कौन निकलता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।